दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर रीवा से है, जहां रीवा की बघेली धरोहर को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस नेत्री ने बताया कि हमारी धरोहर बघेली अब खत्म होने की कगार पर आ चुकी है। कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से भाजपा सरकार निरंकुश हो रही है, हमारे बघेली भाषा पर भी प्रहार करना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि रीवा बघेलखंड बघेली भाषा का एक अंग है, जहाँ हर कोई अपनी बघेली भाषा से बात करते हैं और रीवा की धरोहर रीवा स्टेशन को भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा सरकार ऐसा कर रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। रीवा ने 8 विधायक एक सांसद दिया है, जबकि सांसद ने जब शपथ ग्रहण किया था तो बघेली बोलकर शपथ ग्रहण कर रहे थे। और अब ऐसा क्या हो गया है कि सरकार उन्हीं की और बघेली धरोहरों को कुचला जा रहा है और ये जनप्रतिनिधि चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। अब है, अपना पंचन का सब का राम राम, स्वागत है हमारे आज के पत्रकार वार्ता में। कुछ विशेष विषय पर चर्चा करे खातिर हम अपना पंचन का निवेदन करें और अपना पंचन के स्वागत वंदन और अभिनंदन है। आप सबको अभी जानकारी हुई होगी कि 1 मई से रीवा रेडियो स्टेशन, जो लगभग 40 वर्षों से यहाँ का प्रसारण कर रहा था कार्यक्रमों का, खास तौर पे बघेली, घर लक्ष्मी, चौपाल, किसानों का कार्यक्रम, तो बघेली के जटरम बस, वो सारे कार्यक्रम 1 मई से बंद किए जा रहे हैं और ये सारा का सारा प्रसारण भोपाल से होगा। यह सूचना हमको समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई है, आपको भी प्राप्त हुई होगी। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की नेता मिनिस्टर उषा ठाकुर जी आई थी सीधी और उन्होंने कहा था कि हम यूनिवर्सिटी में एक बघेली पीठ की स्थापना करेंगे और बघेली भाषा के संवर्धन के लिए हम लोग कार्य करेंगे। दूसरी तरफ इनका यह आचरण, हमारे रीवा के लोकप्रिय सांसद जनार्दन मिश्रा भी गाहे बगाहे बघेली के फेवर में बात करते हैं और जब वो सांसद बने थे तो उन्होंने लोकसभा में अपनी शपथ बघेली भाषा में करने की कोशिश की थी, थोड़ा सा बोला भी था, लेकिन लोकसभा के जो सिस्टम रहा होगा उनको रोक दिया गया था। तो मैंने उनको देखा है, सांसद महोदय बघेली के उत्कर्ष उत्थान संवर्धन के लिए कार्य करते रहते हैं, मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ। और मैंने उनसे कहा, कल जब मुझे सूचना हुई तो मैंने उनसे कहा कि मुझे समय दीजिए मिलने का, ताकि अपन इस विषय पर चर्चा करें और हम सब मिलकर लड़ाई लड़ें कि रीवा रेडियो स्टेशन से जो प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है उसको हम कैसे बचाएं। तो उन्होंने, सांसद महोदय ने कहा कि मैं दिल्ली प्रवास पे हूँ, 6 तारीख को आप आइए, तो हम 6 तारीख को आप सबके साथ जाएंगे और उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो एक तरफ शिवराज सिंह जी आए थे यहाँ पर अरविंद महोत्सव में, आप सभी को याद होगा, उन्होंने कहा था कि हम बघेली के लिए काम करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर इसको बंद करने के बाद बघेली हमारी भाषा है, बोली आए, और जिस तरीके से भोजपुरी, जौनपुरी, राजस्थानी, तमाम प्रकार के बोली भाखा खातिर भारत सरकार काम कर रही थी, हम भारत सरकार से अनुरोध करी थे भाई कि हमारे बघेली भाषा का वह स्थान दिन जाए जौन अन्य भाषा बोली कर दिन जाता है। विंध्य प्रदेश के जब मर्जर हो गया 1 नवंबर 1956, उसके बाद से हमारी बघेली भाषा के खिलाफ लगातार षड्यंत्र जारी है और यह पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश तो मैं इसकी निंदा करती हूँ। मैं दूरदर्शन का उदाहरण यहाँ पर जरूर देना चाहूँगी कि लगभग 3000 साल पहले यही कहा गया कि हम नया प्रयोग करेंगे और हम भोपाल से दिल्ली करेंगे और आज रीवा दूरदर्शन अंतिम सांसें ले रहा है और एक तरह से लगभग लगभग दफन सिस्टम हो चुका है। तो जो रीवा रेडियो स्टेशन को भी अतीत में दफन करने की कोशिशें की जा रही हैं, यह निंदनीय और शर्मनाक कृत्य है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, मोदी जी से और रीवा में सांसद हैं जनार्दन मिश्रा जी, सीधी वाले अजय प्रताप सिंह जी और मेरे भी दो सांसद हैं जो राजमणि पटेल जी और विवेक तनखा साहब, ये लगभग लगभग विंध्य की माटी के सपूत हैं और मैंने इनसे सबसे अनुरोध किया है कि आप सब मिलकर इसकी लड़ाई लड़िए ताकि हम सब लोग अपनी बोली को, भाषा को और ख़ासतौर पे रेडियो स्टेशन को बचा सकूँ। साथियों, मैं व्यक्तिगत दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा।